Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Achilles Smith. आज आप लोगों को कराने जा रहे हैं एलजेब्रा का यूनिट 5, ठीक है? आप लोग मेरे साथ बने रहें और एंजॉय के साथ पढ़ें। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल कर तैयार हो जाएं और हेडिंग लगा लें एलजेब्रिक आइडेंटिटी का टाइप 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो, देन ए भी जीरो होगा एंड if a square b square c square if a square b square c square b square equal to 0 देखिए, यदि ए बी सी डी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, आप लोग को मालूम है रियल नंबर किसको बोलते हैं? वो ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने के बाद ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज उसका रिजल्ट जो होगा पॉजिटिव। अब आप ही लोग बताएं कि जब सम ऑफ स्क्वायर जीरो है तो पॉसिबल तभी हो सकता है रियल नंबर के लिए जब दोनों को जीरो होना पड़ेगा। थ्री टर्म है, सारे को जीरो होना पड़ेगा। चार टर्म है, सारे को जीरो होना पड़ेगा। जितना भी टर्म होगा सबको जीरो लेने के बाद ही उसका सम जीरो हो सकता है। कब? जब वह रियल नंबर हो। यदि रियल नहीं बोलते या बोल देते हम सिर्फ ए प्लस बी को जीरो, ठीक है, तो ए प्लस बी जीरो कुछ भी ले सकते, तो वन माइनस वन तो भी जीरो होगा, टू माइनस टू प्लस टू तो भी जीरो होगा, जीरो प्लस जीरो तो भी जीरो होगा। लेकिन यदि हम स्क्वायर कर लिए इसका अमाउंट जीरो तभी होगा जब ए जीरो लेंगे और बी को, अगर ए को ले लेंगे वन बी को ले लेंगे वन, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो होगा? नहीं हो सकता, ठीक है, इमेजिनरी लेते तब तो हो जाता, लेकिन रियल नंबर में उसका मान सम ऑफ स्क्वायर या जीरो नहीं होगा जब ए बी का मान जीरो के अलावा कुछ भी रियल नहीं होता, या पॉसिबल तभी होगा जब ए और बी दोनों को जीरो। ये बात क्लियर है? अब इससे रिलेटेड सवाल देखिए क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए माइनस वन का होल स्क्वायर बी माइनस थ्री का होल स्क्वायर सी माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल जीरो, देन ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। यस, आपको जस्ट बताया गया सम ऑफ स्क्वायर जीरो तभी हो सकता है जब अलग अलग जीरो हो। इसको जब जीरो के बराबर करेंगे तो एक पर वन, इसको जीरो बराबर करेंगे बी पर थ्री, इसको जीरो बराबर करेंगे सी पर फाइव। इसको यहाँ पुट कर लें तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव कितना आंसर आ जाना है? इफ ए प्लस वन का होल स्क्वायर बी माइनस टू का होल स्क्वायर सी प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो बताना
प्लस सी। फिर वही बात, इसको जब जीरो के इक्वल करेंगे ए का वैल्यू माइनस, यहां से निकलेगा बी इक्वल टू, यहां से निकलेगा सी इक्वल माइनस थ्री। जब पुट करेंगे माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री, 3 × 4 माइनस टू हो गया। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, आपसे पूछा जा रहा है एक्स 31 वाई 31। ये सवाल एग्जाम आया होगा भी, क्या करना होगा इसको रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा होल स्क्वायर में। ऐसे होगा तो इसको एक साथ ले लें एक्स वाले को, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। तो यह आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कितना लिखा जाएगा यहां से, यहां इसको जब जीरो के इक्वल करेंगे इसका वैल्यू माइनस है, और यहाँ वाई इक्वल जीरो रख दें यहाँ पे, तो माइनस वन टू दी पावर 31 प्लस जीरो, आंसर हो गया। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी देन, अरे आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, फिर इसको उसी फॉर्म बदलना पड़ेगा ए माइनस बी को होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बी को बी के साथ प्लस टू बी माइनस टू बी इधर आएगा प्लस टू बी माइनस प्लस वन सी स्क्वायर माइनस टू सी प्लस वन। क्या यह बात क्लियर है? चूंकि यहाँ माइनस थ्री था उसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस थ्री होगा। यह अब आपके फॉर्मूले में आ गया, इसमें आया फॉर्मूले में आया ए माइनस वन, यह हो जाएगा बी प्लस वन, यह हो गया सी माइनस वन, तब यहां से मिल गया ए इक्वल वन बी इक्वल माइनस वन सी इक्वल, इसलिए ए माइनस बी प्लस सी, ए हो गया वन बी हो गया माइनस वन और सी हो गया वन, कितना आंसर आ गया। यदि यहाँ यह भी पूछा जाता ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किया था क्या मान मिलेगा, ए स्क्वायर वन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर सी स्क्वायर वन स्क्वायर, कितना मिलता है वो। अब एक बार यहाँ गौर करेंगे आप, इसको तो कितना आसानी से बिना सॉल्व किए भी आप इसको निकाल सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल फॉर ट्वाइस ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी। आपको यह ध्यान देना होगा यदि यहाँ 3 माइनस किया हुआ है तो आप तुरंत समझना होगा कि यही मान इसका आएगा और यही मान इसका आएगा, तब तो ये सैटिस्फाइड करेगा 2 × 3 = 6 माइनस 3 आ रहा था, जस्ट देखिए ये भी मान 3 आया ये भी मान क्या आया 3, तो 2 × 3 = 6 माइनस 3 तब तो ये 3 आया। कहने का मतलब क्या है, यदि सवाल में इससे दिया है सिंपल डायरेक्ट इसका मान या इसका मान पूछा गया तब तो क्या करना आंसर, लेकिन यदि बदलता a प्लस बी माइनस सी या a प्लस बी प्लस सी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो निकालना पड़ता, लेकिन डायरेक्ट या मान पूछा गया तो आंसर आपका, एक बात यह ध्यान रखना। दूसरी बात यह ध्यान रखना, यदि आप डायरेक्ट मान निकालना चाहेंगे कि मान लिया आपको जता भी कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, देखिए डायरेक्ट याद होता है करना क्या है, 2 के मल्टीपल में a का कोएफिशिएंट यदि प्लस 1 है तो मान आ जाएगा a का माइनस 1, चलिए 2 का मल्टीपल सॉरी 2 का जो कोफिशियंट a था a का जो कोफिशियंट दी यहाँ पर क्या है इक्वल के उधर से है क्या प्लस 1 इधर आता क्या होता माइनस 1 तो उसका मान हो गया प्लस 1। यहाँ क्या देखें c का कोफिशियंट कितना है 1, मतलब यहाँ इसको इस साइड लेकर आएंगे माइनस 1, हमेशा ध्यान रखें उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आए, तो यहाँ होता कितना सॉरी b का कोफिशियंट यहाँ क्या है माइनस इधर प्लस होता, प्लस होने का मतलब मान होता माइनस 1,
सी प्लस है, लेफ्ट लेग आएंगे तो माइनस होता, माइनस आने मतलब प्लस वन आ जाएगा। देखिए निकाले थे ना, ए का वैल्यू प्लस वन, बी का वैल्यू माइनस वन, सी का वैल्यू प्लस वन। कह रहा मैं कहने का मतलब यह है कि टू के साथ तो होनी ही चाहिए, उसको पहले आप लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, इधर आप लेफ्ट आते क्या मिलता आपको, माइनस टू ए प्लस टू बी माइनस टू सी, याद है ना। तब यह ध्यान देना है कि टू को छोड़कर ए का कोएफिशिएंट माइनस है प्लस वन माना आएगा, टू को छोड़कर बी का कोएफिशिएंट प्लस है माइनस आएगा, टू को छोड़कर सी का कोएफिशिएंट माइनस है क्या आएगा प्लस, डेड मान निकाल सकते हैं। और यदि यह मान पूछा तो आंसर यही आ जाएगा, दूसरा ही आपको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपसे पूछ दिया जाए इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल मान लिया गया ट्वाइस ए माइनस टू बी प्लस सी माइनस सिक्स, और आपसे पूछा जा सकते हैं ए माइनस टू बी प्लस सी का, यदि इसका मान पूछा तो क्लियर है सीधा क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 6 ही होगा, यह मान भी 6 होगा क्योंकि 12 माइनस 6 तो 6 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 6। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है ए बी सी तब क्या करते हैं, तो उसको निकालने क्या तरीका ही बताया, इसको जब लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा माइनस टू ए माइनस ट्वाइस के साथ ले लें तो आ जाएगा ए माइनस टू बी माइनस प्लस आएगा ऐसे, इसको इधर लेकर आएंगे तो तंत्र नहीं। अब बताएंगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको माइनस यहाँ आ जाएगा ए का कोएफिशिएंट माइनस वन, प्लस आ जाएगा प्लस वन मान हो गया प्लस वन, बी का कोएफिशिएंट कितना है प्लस टू हो जाएगा माइनस टू, क्योंकि दो प्लेट निकाल ही चुके हैं, जब दो प्लेट निकाल चुके हैं देखा कोएफिशिएंट माइनस वन तो हो गया प्लस वन, बी का कोएफिशिएंट हो गया प्लस टू तो हो जाएगा माइनस टू, और सी का कोएफिशिएंट हो रहा है माइनस वन तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब निकाल के भी दे सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, बी स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस फोर, सी स्क्वायर माइनस टू सी प्लस वन होगा 1516, यह हो गया ए माइनस वन का होल स्क्वायर, बी प्लस टू का होल स्क्वायर, सी माइनस वन का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस टू, सी का वैल्यू। तो कैसे हम निकाले, आपको एक साइड करने के बाद यह ध्यान देना था कि दो को छोड़कर ए का कोएफिशिएंट क्या आ गया माइनस वन तो प्लस वन मान, बी का कोएफिशिएंट प्लस टू तो माइनस टू मान, सी का कोएफिशिएंट माइनस वन तो प्लस वन मान, क्लियर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कर लेते हैं, 5x² प्लस y² प्लस 4xy प्लस 4x सॉरी 2x प्लस 1 इक्वल 0, आपको यह बताओ, ठीक है क्या करना चाहेंगे। तो आपको पहले यह करना है, यहाँ पे 4x² है ना, लेते हैं इसको 4x² प्लस y² प्लस 4x², और यहाँ पे x² अलग कर लेते हैं, लिख सकते हैं क्या, यहाँ से x² निकाल लिए, बाकी टर्म 4xy y² यहाँ 4x² आने दें, यह फॉर्मूला हो गया 2x प्लस y होल स्क्वायर, आपको जैसे भी होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब 0 के इक्वल करेंगे 2x प्लस y इक्वल 0 क्या हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे माइनस 1, जब x का वैल्यू माइनस 1 पुट किया जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, इसलिए x प्लस 3y
एक्स हो गया माइनस वन, वाई हो गया टू। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेने जा रहे हैं, इफ एक्स का वैल्यू लाई कर रहा है थ्री एंड फोर के बीच, देन आपसे पूछा जा रहा है रूट ऑफ थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब बताए स्क्वायर रूट तभी निकलेगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो एलिमेंट वो पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन अभी हम देखें क्या यहाँ पे x जो है वो 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है, x क्या है 3 से बड़ा है, इसको जब हटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x क्या है 3 से बड़ा है, बड़ा यहाँ बनेगा नेगेटिव होगा। क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लें या b माइनस a का होल स्क्वायर, बात देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस b का होल स्क्वायर करना होगा, तब तो x में 3 घट पाएगा। और यहाँ x माइनस 4, x में 4 नहीं घट पाएगा, क्योंकि x छोटा है 4 बड़ा है, 4 माइनस x करना होगा तो पॉजिटिव बनेगा, तब यहाँ से मान निकालना। आंसर हो गया, इन बातों में आपको ध्यान देना, ठीक है? इस तरह टेक्निकल सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? अभी आपको बताया गया कि सम ऑफ स्क्वायर यदि जीरो है, ये पॉसिबल तभी होगा जब सबको अलग अलग जीरो होना पड़ेगा। जैसे एट करेंगे क्या होगा, जेड कट जाएगा, ये आपका वाई कट जाएगा, ये आपका एक्स कट जाएगा, एक्स वाई और यह जेड, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मजा आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं न्यू टाइप के साथ, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहें। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अपने दोस्त के साथ आएँ और मजे से पढ़ाई करें, और आप लोग कमेंट भी करें जो कुछ समझ में नहीं आया या किसी प्रकार का प्रॉब्लम या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? और कैसा लगा वीडियो इसके बारे में बताएं। तब तक ले बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्लस फोर सी स्क्वायर माइनस टू सी प्लस वन होगा वन फाइव वन सिक्स, क्या हो गया ए माइनस वन का होल स्क्वायर, बी प्लस टू का होल स्क्वायर, सी माइनस वन का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस टू, सी का वैल्यू। तो कैसे हम निकालें, आपको एक साइड करने के बाद यह ध्यान देना था कि दो को छोड़कर ए का कोएफिशिएंट क्या आ गया माइनस वन तो प्लस वन मान, बी का कोएफिशिएंट प्लस टू माइनस टू मान, सी का कोएफिशिएंट माइनस वन प्लस वन। क्लियर? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कर लेते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर एक्स सॉरी टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, आपको यह बताओ, ठीक है? क्या करना चाहेंगे, तो आपको पहले यह कर लें, यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर है ना, लेते हैं इसको फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और यहाँ के एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं, लिख सकते हैं ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लिए, बाकी टर्म फोर एक्स वाई वाई स्क्वायर यहाँ फोर एक्स स्क्वायर आने थे, यह फॉर्मूला हो गया टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, आपको जैसे भी होल स्क्वायर लेना होगा, ठीक है? प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर,
इसको जब जीरो के इक्वल करेंगे, 2x + y = 0 क्या हो जाएगा, इसको जीरो के इक्वल करेंगे -2, जब एक्स का वैल्यू -1 पुट किया जाएगा तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है, इसलिए x + 3y, एक्स हो गया -1, वाई हो गया 2, क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेने जा रहे हैं, इफ एक्स का वैल्यू लाई कर रहा है 3 एंड 4 के बीच, देन आपसे पूछा जा रहा है रूट ऑफ 3 - x² + अब बताएं स्क्वायर रूट तभी निकलेगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो एलिमेंट वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन अभी हम देखें क्या यहाँ पे एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, जब एक्स 3 से बड़ा है, एक्स क्या है 3 से बड़ा है, इसको जब हटाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है 3 से बड़ा है, बड़ा यहाँ बनेगा निगेटिव होगा, क्या करना पड़ेगा, a - b² लें या b - a² बात एक ही है, क्या हो जाएगा x - 3² करना होगा, तब तो एक्स में 3 घट पाएगा, और यहाँ x - 4, एक्स में 4 नहीं घट पाएगा, एक्स छोटा है 4 बड़ा है, 4 - x करना होगा तो पॉजिटिव बनेगा, तब यहां से मान निकालना, आंसर हो गया, इन बातों में आपको ध्यान दें, ठीक है, इस तरह टेक्निकल सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इफ x + y - z का होल स्क्वायर, x + z - 1 का होल स्क्वायर, y + z - x का होल स्क्वायर, देन ठीक है, अभी आपको बताया गया कि सम ऑफ स्क्वायर यदि 0 है ये पॉसिबल तभी होगा जब सबको अलग अलग 0 होना पड़ेगा, जैसे 8 कहेंगे क्या होगा, जेड कट जाएगा, ये आपका वाई कट जाएगा, ये आपका एक्स कट जाएगा, एक्स वाई और या जेड, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मजा आया होगा, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं न्यू टाइप के साथ, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहें, जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अपने दोस्त के साथ आएँ और मज़े से पढ़ाई करें, और आप लोग कमेंट भी करें जो कुछ समझ में नहीं आया या किसी प्रकार का प्रॉब्लम या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, और कैसा लगा वीडियो इसके बारे में बताएं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।